and welcome to 30 mein 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek 30 khabrein. To intezar kis baat ka? Let's take a look. 30 mein 30. ऋतिक रोशन आजकल अपनी फैमिली को दे रहे हैं काफी टाइम। दरअसल ऋतिक की फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई है, ऐसे में अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं और रिसेंटली ऋतिक को अपनी फैमिली के साथ मूवी डेट पर किया गया स्पॉट। 30 में 30 फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड को मिले रिस्पॉन्स से इस फिल्म के मेकर्स हैं काफी खुश। तभी तो इस फिल्म की टीम ने कल शाम फिर थ्रो की एक पार्टी, जहां हमने स्पॉट किया अर्जुन कपूर, श्रद्धा कपूर, एकता कपूर, रोनित रॉय और चेतन भगत को। यहां फिल्म की टीम ने फिल्म की सक्सेस पर भी बात की। प्यार जो मिला उसकी वजह से और भी खुशी मिलती है, जब दुनिया भर से मैसेज आते हैं, फोन कॉल आते हैं और पता लगता है कि जम्मू हो, बनारस हो, लखनऊ हो, ऐसी जगहों पे पिक्चर हाउसफुल चल रही है। जब वीकेंड शुरू हुआ था तो बहुत अच्छा लगा था तब, और आई थिंक खुशी की बात यह है कि इंडस्ट्री को एक और सक्सेस मिली और मेरे नए नवेले करियर में एक और सक्सेस शामिल हो गई, तो उस बारे में मैं एज एन एक्टर आई फील इवन हैप्पियर कि और एक्सेप्टेंस मिली ऑडियंस से और प्यार मिल रहा था। वेरी वेरी हैप्पी। जब भी कोई फिल्म अच्छा करती है डेफिनेटली बहुत अच्छा महसूस होता है, मतलब लोग गए हैं देखने, तो सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। 30 में 30 इरफान खान और कंगना रनौत के बीच नोक झोंक चलती रहती है और रिसेंटली इस फिल्म की सक्सेस पार्टी पर जब इरफान को बताया गया कि कंगना ने उन्हें हिंदी मीडियम की सक्सेस पर बधाई दी है, तो इस पर इरफान ने कहा, बिल्कुल कंगना फैंटास्टिक एक्टर है, मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने सुना है कि वो डायरेक्टर बनने वाली है, मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे एक्टर कास्ट करेंगी नहीं करेंगी, और मैं बहुत बहुत पसंद है मुझे एज एन एक्टर, उन्होंने जिस तरह से अपनी जगह बनाई है बहुत कमाल का काम किया है, और वो यू नो एक नायाब किस्म का उन्होंने अपना एक कुछ अपना ग्राफ बनाया उन्होंने। 30 में 30 एक्टर सुशांत सिंह राजपूत पिछले कुछ दिनों में अपने एंग्री मैन अवतार को लेकर काफी फेमस हो गए हैं और हिंदी मीडियम की सक्सेस पार्टी में पहुंचे सुशांत यहां इस तरह की खबरों पर एक्सप्लेनेशन देते दिखे। इस इंटरव्यू में मैंने ऐसा रिएक्शन कब दिया था? कभी कभी ऐसा होता है जब मैं कुछ कोई चीज जो मैं बहुत पैशन के साथ बोल रहा होता हूँ तो मैं बहुत एनिमेटेड होता हूँ, कितनी भी मुझे बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा हाथ वाथ हिलाते हो और मुंह हिलाते हो, ऐसे यहाँ खड़े होना पड़ता है, तो भी आप देख रहे होंगे मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को। लेकिन हाँ, वो फोटो देख के मुझे लगा कि ऐसा रिएक्शन मैंने शायद नहीं दिया, फिर मैंने पूरा वीडियो देखा और बहुत ही अच्छे से क्लोजली स्क्रूटिनाइज करके, लेकिन वो मुझे रिएक्शन नहीं मिला, लेकिन वो बहुत जाना जाना सा रिएक्शन था क्योंकि हाल में कुछ और भी हुआ था, तो मैंने आई फाउंड इट एंड इट वॉज एक्चुअली द सेम, तो फिर मैंने एक वो नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और उसके बाद उसको एडिट किया और फिर ट्वीट किया, बहुत मेहनत करी मैंने। 30 में 30 करण जौहर के बर्थडे पर नहीं पहुंची थी करीना और उनकी गर्ल गैंग, लेकिन करण के बर्थडे के बाद उनके घर मलाइका अमृता के साथ बेबो पहुंची पार्टी के लिए। 30 में 30 Well, we all know कि अमिताभ बच्चन हर संडे को अपने घर के बाहर आए हुए फैंस से करते हैं मीटिंग। इस बार बिग बी ने अपने फैंस को दी एक स्पेशल ट्रीट। अमिताभ बच्चन की संडे फैन मीटिंग में इस बार आराध्या अपनी कैट सॉल्ट पेपर के साथ आई नजर। अमिताभ ने इस मीटिंग की पिक्चर्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी किया शेयर। 30 में 30 लेट ऑन द शो, रणबीर, अर्जुन, अभिषेक और सिद्धार्थ के बीच हुआ फुटबॉल मैच। क्रिश 4 में कौन होगी ऋतिक की एक्ट्रेस, इसे फिलहाल ऋतिक सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। एक ट्रेलर लॉन्च पर जब ऋतिक से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे सीक्रेट रखा। मैंने ऐसे सुना है कि मराठी हीरोइन होनी है, मराठी हीरोइन होगी अभी नेक्स्ट क्रिश के लिए, ऐसा मैंने सुना, एक इन्फॉर्मेशन। तो आपका सवाल क्या था एक्चुअली? हीरोइन कोई फाइनलाइज्ड नहीं है क्रिश की जी, प्रियंका नो वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट राइट नाउ, इफ यू नॉट रीच दैट स्टेज बट आई विल टेक दैट इनटू कंसीडरेशन। 30 में 30
श्रद्धा वापस लौटी अपने फैमिली वेकेशन से। श्रद्धा अलोंग विथ हर फैमिली पहुंची थी सेशेल्स। वहां से श्रद्धा ने किया था ये स्वीट फैमिली फोटो शेयर। यहां पहुंचकर श्रद्धा ने सबसे पहले किया करण जौहर को बिलेटेड विश इस ट्वीट के साथ। और अब श्रद्धा लग जाएंगी अपनी आने वाली फिल्म हसीना के प्रमोशंस में। 30 में 30। क्या वरुण और अर्जुन की दोस्ती में आ गई है दरार? Well, according to our sources, half girlfriend में माधव झा के रोल के लिए वरुण थे मेकर्स की पहली चॉइस। लेकिन अब वरुण अपने इस मूवी का पार्ट ना होने के डिसीजन को कर रहे हैं प्रेज, क्योंकि इस फिल्म को क्रिटिक्स से नहीं मिल रहे हैं अच्छे रिव्यूज। लेकिन जब अर्जुन को वरुण के स्टेटमेंट के बारे में पता चला तो वो इस बात को लेकर वरुण से हो गए हैं काफी अपसेट। 30 में 30। रणबीर, अर्जुन, आदित्य रॉय कपूर, अभिषेक बच्चन और सिद्धार्थ मल्होत्रा साथ नजर आए एक फुटबॉल इवेंट पर। इस इवेंट पर रणबीर का संजय दत्त बायोपिक से ये इंटरेस्टिंग नया लुक आया सामने, जो संजय दत्त के रॉकी के दिनों की याद दिलाता है। 30 में 30। वरुण धवन रिसेंटली एक ब्रांड के लिए शूटिंग करते वक्त हो गए इंजर्ड। वरुण रिसेंटली एक एड के लिए महबूब स्टूडियो में कर रहे थे शूट। शूट में एक स्टंट करते टाइम वरुण स्लिप हो गए, जिससे उनके हाथ और एल्बो में काफी चोट आ गई। लेकिन वरुण ने शूट को कैंसिल करने के बजाय मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर शूट को किया दोबारा कंटिन्यू। 30 में 30। बाहुबली फेम के प्रभास की अपकमिंग मूवी साहो का एक बिग पोर्शन शूट होगा मुंबई में। सोर्सेस की माने तो डायरेक्टर सुजीत प्रभास के साथ फिल्म के एक्शन सीन्स को मुंबई की सड़कों पर बारिश में करना चाहते हैं शूट। फिल्म का दूसरा बड़ा पार्ट अबू धाबी में शूट होगा। फिल्म के सॉन्ग्स और स्टंट्स को यूरोप में किए जाएंगे शूट। इस फिल्म को साइमल्टेनियसली हिंदी और तेलुगु में किया जाएगा शूट। 30 में 30। रणवीर सिंह को पद्मावती के शूट के दौरान लगी चोट। दरअसल एक शॉट के बीच में रणवीर का सर जाकर टकरा गया मिरर से। लेकिन अपने रोल में एनग्रॉस्ड रणवीर ने ये बात रियलाइज तक नहीं की। लेकिन शॉट के खत्म होते ही रणवीर स्टार्टेड टू ब्लीड और इसी वजह से रणवीर वाज रश्ड टू अ नियर बाय हॉस्पिटल। ट्रीटमेंट होते ही हॉस्पिटल से निकलने के बाद डेडिकेटेड एक्टर रणवीर एक बार फिर लौटे सेट पर टू कम्प्लीट हिज शॉट्स। 30 में 30। गौरी खान ने सोशल मीडिया पर अबराम के बर्थडे बैश की एक पिक्चर की है शेयर, जिसमें अबराम नजर आ रहे हैं अपनी सिस्टर सुहाना की आर्म्स में। गौरी कैप्शन द पिक्चर एज जेमिनाई गॉर्जियसनेस। इस पिक्चर को एसआरके ने भी किया है रीपोस्ट विद द कैप्शन एग्जॉस्टेड आफ्टर द लिटिल वंस पार्टी, जंपिंग जैक्स आर अ किलर। फ्यू। 30 में 30। रोबो 2.0 में अक्षय कुमार प्ले करेंगे एक विलन का किरदार। एक नेगेटिव रोल चूज करने के डिसीजन के बारे में जब अक्षय को पूछा गया तो उनका कुछ ये कहना था, द स्क्रिप्ट शंकर सर, रजनी सर, द होल कॉम्बिनेशन, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क इन साउथ, हर्ड सो मच अबाउट द प्रोफेशनलिज्म, इट्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ फिल्म, इट्स बीन लॉन्ग सिंस आई हैव डन अ नेगेटिव रोल, आई प्लेड अ नेगेटिव रोल लॉन्ग बैक इन अ फिल्म कॉल्ड अजनबी एंड दैट्स व्हाई आई डिड इट। 30 में 30। प्रियंका चोपड़ा हाल ही में न्यूज में थी एक हॉलीवुड शो डर्टी लॉन्ड्री की वजह से। इस शो में प्रियंका ने अपने सर्टेन एक्स बॉयफ्रेंड की जैकेट के बारे में बात की और रिसेंटली जब ये खबर ट्विटर पर शेयर की गई थी तो प्रियंका ने उस पोस्ट को खुद किया लाइक और फिर कुछ देर बाद ही कर दिया अनलाइक। वेल, पहले तो सिर्फ स्पेकुलेशंस हो रहे थे, लेकिन लगता है पीसी अपने इस मूव से करना चाह रही थी इस न्यूज को कंफर्म करने की कोशिश। 30 में 30। रणबीर और कटरीना के बीच सब कुछ हो गया है नॉर्मल। जगा जासूस के सेट से कुछ महीनों से खबरें आ रही थी इन दोनों के बीच चल रहे डिफरेंसेस की। यहां तक कि सुनने में ये भी आया था कि कटरीना ने रणबीर के साथ सॉन्ग शूट करने से भी कर दिया था इनकार। लेकिन करण जौहर की पार्टी में पहुंचे इस एक्स कपल को देखकर नहीं कहा जा सकता कि इनके बीच चल रही हैं प्रॉब्लम्स। पार्टी के कुछ इनसाइडर्स का कहना था कि रणबीर और कटरीना दोनों ही एक दूसरे की कंपनी में नजर आए कंफर्टेबल और इन दोनों के बीच काफी बातें भी हुई। 30 में 30।
फिल्म हिंदी मीडियम की टीम अपनी फिल्म को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स से काफी खुश हैं और रिसेंटली इस फिल्म की टीम ने जमकर पार्टी की और इस पार्टी में हमने स्पॉट किया इरफान खान, कृति सानन, सुशांत सिंह राजपूत, रिया दिव्या खोसला कुमार जैसे सेलिब्रिटीज को। 30 में 30। रिसेंटली खबर ये आई है कि डायरेक्टर मुदस्सर अजीज ने अपनी अपकमिंग फिल्म हैप्पी भाग जाएगी पार्ट 2 के लीड रोल के लिए अप्रोच किया है सोनाक्षी सिन्हा को। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस सोनाक्षी को स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है लेकिन उन्होंने अभी नहीं की है ये फिल्म साइन। जब सोनाक्षी की मैनेजमेंट टीम से इस बारे में किया गया सवाल तो उन्होंने कहा, डिस्कशंस आर इन प्रोग्रेस, व्हेन समथिंग कॉन्क्रीट हैपेंस इट विल बी अनाउंस्ड। 30 में 30। दीपिका और कटरीना ने साथ में किया क्वालिटी टाइम स्पेंड। खबर है कि दीपिका कटरीना आजकल अपनी कैट फाइट खत्म करने में लगी हैं। रिसेंटली जब एक पार्टी पर ये दोनों स्टार्स मिली तो एक दूसरे के साथ ये काफी कॉर्डियल रहीं। 30 में 30। जानवी कपूर और सारा अली खान बॉलीवुड के नेक्स्ट बिग थिंग्स हैं। दोनों जल्द ही नजर आने वाली हैं अपने ड्रीम बॉलीवुड डेब्यू में। ऐसे में खबरें आ रही थी कि इन दोनों के बीच चल रही है कट्टर राइवलरी, लेकिन करण जौहर की पार्टी में साथ टाइम स्पेंड करते हुए द टू गर्ल्स सक्सीडेड इन पुटिंग ऑल द रूमर्स टू रेस्ट और इन दोनों की ये बॉन्डिंग साफ जाहिर हो रही है मनीष मल्होत्रा के शेयर किए गए इस फोटो में। 30 में 30। रणबीर कटरीना स्टारर जग्गा जासूस की रिलीज डेट शिफ्ट होने से सैफ अली खान की फिल्म शेफ की रिलीज डेट को अगस्त के लिए कर दिया गया है पुश। अनफॉर्चुनेटली अगस्त में शेफ के साथ कई और फिल्म्स भी होने वाली हैं रिलीज। ऐसे में सैफ की फिल्म को ऑडियंसेस का कितना प्यार मिलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। 30 में 30। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर फॉलोअर्स की गिनती 27 मिलियन पहुंचने पर अपने फैंस और वेल विशर्स को कहा थैंक्स। बिग बी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अपडेट्स को अपने फैंस से करते हैं शेयर। बिग बी ने ट्विटर पर लिखा, 27 मिलियन, थैंक यू ऑल दैट मेक दिस हैपन। 30 में 30। इशकजादे मूवी में अर्जुन और परिणीति की जोड़ी को ऑडियंसेस ने किया था खूब पसंद। सोर्सेस का कहना है कि ये जोड़ी एक बार फिर से ऑन स्क्रीन आ सकती है नजर। दिवाकर बैनर्जी की अपकमिंग एक्शन रोमांस मूवी में ये डुओ एक बार फिर से लोगों का दिल जीतने के लिए है तैयार। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस अर्जुन इस मूवी में एक हरियाणवी पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करते हुए आ सकते हैं नजर। 30 में 30। लगता है सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट का ट्रेलर प्रोक्लेम्ड क्रिटिक कमाल आर खान को इम्प्रेस करने में हो गया है फेल। 4 मिनट के अपने इस वीडियो में केआरके ने बताया है कि सलमान ने जोकर की तरह किया है एक्ट। पूरे वीडियो में उन्होंने सिर्फ रेडियो सॉन्ग को ही किया है प्रेज। केआरके का कहना है कि फिल्म का ट्रेलर नहीं है इम्प्रेसिव और इस फिल्म का हाल भी जय हो और फैंटम जैसा ही होगा। 30 में 30। टाइगर श्रॉफ और अदा शर्मा लॉन्च करने पहुंचे सेकंड एडिशन ऑफ सुपर सॉकर टूर्नामेंट, जहां उन्होंने सपोर्ट किया पैशनेट फुटबॉल प्लेयर्स को। यहां खुद टाइगर भी फुटबॉल खेलते नजर आए और उन्होंने इस इवेंट के अलावा अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया। उम्मीद है उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू यू नो परफॉर्म एंड डू बेटर एंड होपफुली इंशाल्लाह इट वोंट प्रोबब्ली बी Like the original Rambo, but it'll be a tribute to Mr. Stallone, and hopefully he won't let anybody down. इसके लिए आपने fitness regime आपने बहुत ज़्यादा strict follow आपने होंगे diet बहुत ज़्यादा। फिलहाल तो नहीं क्योंकि उसके लिए अभी time है। उसके पहले मैं बागी 2 और student year 2 कर रहा हूँ तो उसके लिए time है तो I think। 30 में 30। दिलजीत दोसांझ को बॉलीवुड में नहीं मिल पा रहे हैं फिलहाल कोई ऑफर्स, इसलिए दिलजीत ने डिसाइड किया है कि वो स्टेज शोज पर ध्यान देंगे। दिलजीत ने हाल ही में कई स्टेज शोज के लिए हाँ किया है। आने वाले समय में दिलजीत कई जगह परफॉर्म करते नजर आएंगे। 30 में 30। राजकुमार राव इज सेट टू प्ले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन स्क्रीन। नेताजी की लाइफ पर बन रही है एक अपकमिंग वेब सीरीज जिसमें राजकुमार नजर आएंगे टिटुलर रोल में और अपने इसी रोल के लिए राजकुमार ने करवाया ये हेयर कट जिसके बाद उनका लुक बिल्कुल नेताजी से रिजेंबल करने लगा है। 30 में 30।
सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म काला करिकालन में हुमा कुरैशी के बाद एक और नाम आया सामने। इस फिल्म में नाना पाटेकर भी एक इम्पोर्टेंट रोल करते नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग हाल ही में हुई है शुरू। 30 में 30। जोया अफरोज अपनी नेक्स्ट फिल्म स्वीटी वेड्स एनआरआई के प्रमोशंस को लेकर चल रही हैं काफी बिजी, लेकिन इस हेक्टिक शेड्यूल के बीच उनको लगा एक बड़ा शॉक। जोया को रिसेंटली उनके फ्रेंड्स ने किया इन्फॉर्म कि मैट्रिमनी साइट पर उनकी फेक प्रोफाइल है पोस्टेड। फिलहाल जोया इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने के लिए कर रही है प्लान।